Good morning. Today, our lecture 3 for the same chapter, solutions. And in previous classes, what we have learnt? So, we have learnt about Henry's law. What are the laws? Henry's law kya hai? The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Kya padhte hain hum log? The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था. क्या मॉडिफिकेशन था? इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज अ मेजर ऑफ सॉलिबिलिटी देन द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. इसका मतलब हम जितना ज्यादा प्रेशर लेंगे बढ़ाएंगे हमारे गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. और हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? P इज इक्वल टू के एच का. सो के एच इज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट एंड का इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. सो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न्ड अबाउट दैट टॉपिक्स. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस applications of Henry's law. So first application is the solubility of a gas can be increased. For example, to increase the solubility of CO2 in soft drinks or soda water bottles, so it is sealed under high pressure. Pehla application jo हम घरों में ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को खोलते हैं बहुत सारा गैस हमारा CO2 फिजेज आउट स्किप्स हो जाता है. तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो बहुत हाई प्रेशर पर सील करके देते हैं और हम जब खोलते हैं तो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो इस प्रेशर के अंदर हमारा बहुत सारा गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाती है तो वो गैस निकल जाता है. दूसरा सेकंड एप्लीकेशन क्या है? हेनरीज लॉ. स्कूबा डाइवर्स जानते हैं आप, डीप सी डाइवर्स को बोलते हैं, जो बहुत गहरे गोताखोर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स. सो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर अंडर हाई प्रेशर. So the solubility of these gases increases, but when the divers comes towards the surface, the pressure gradually decreases and dissolved gases leads to the formation of bloods, bubbles in the blood, and that this blocks the capillaries and creates a medical condition known as bends. This medical condition is known as bends. This is very painful to divers. इसको जस्ट सर्जरी करके इस बबल्स को निकालना पड़ता है. तो इससे बचने के लिए कैसे हेनरीज लॉ अप्लाई कर दिया कि पहले जो हमारा डाइवर्स का टैंक होता था उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली होता था, लेकिन उसमें मॉडिफाई कर दिया. हमने प्रीवियस क्लास में आपसे एक्सप्लेन किया था कि जिसका केएच का वैल्यू कम ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी. तो मॉडर्न स्कूबा डाइवर्स टैंक्स में जो कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है वो 11.7% करीब करीब हीलियम डाल दिया जाता है और जो नाइट्रोजन है वो 56.2% है और ऑक्सीजन 32.1%. तो आपको इसके डाल देने से इसका केएच का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसके डालने से किसका परसेंटेज कम हो गया? N2 का कम हो गया.
तो अब N2 सॉल्युबल नहीं होगा, और जब N2 सॉल्युबल नहीं होगा तो आपको ये जो कंडीशंस आ रहा था वो नहीं हो पाएगा और हमारा बैंड नहीं बनेगा। तो मॉडर्न स्कूबा डाइवर्स ये चीज हम लोग वहां पर जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां भी आप पढ़ोगे कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ हीलियम। तो हीलियम इज यूज्ड एज अ डाइल्युएंट बिकॉज देयर लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड्स, ब्लड्स में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए मॉडर्न स्कूबा डाइवर्स टैंक्स में हीलियम डालते हैं बैंड्स को खत्म करने के। तीसरा एप्लीकेशन, जैसे देखो बच्चे इस बार समर वेकेशन कब होगा, कब आप लोग घूमने जाओगे हाई एल्टीट्यूड्स पर, लेकिन जब हम जाते थे प्रीवियस एक्सपीरियंस ले सकते हो तो क्या होता था, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, सो दिस कॉजेज नौसिया। नौसिया एक मेडिकल कंडीशन है जो सिम्टम्स क्या होता है, जैसे थिंकिंग एबिलिटी लो हो जाती है, नोज ब्लीडिंग हो सकता है, ये सारे कंडीशंस होते हैं, तो आप 2-3 दिन के बाद जाके एडजस्ट होते हैं यदि हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं। तो ये सारा इफेक्ट किसका है, हेनरीज लॉ का है और प्रेशर से रिलेटेड है। तो यदि हम प्रेशर से रिलेटेड, क्योंकि हमारा बॉडी जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, यदि वो इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब होता है तो हम अनइजीनेस महसूस करते हैं। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप जानते हो, जैसे गैस को कंडेंस करते हैं और लिक्विड बनता है तो आपका डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है, जब हम कंडेंस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लिक्विड में यदि डिजॉल्व होता है तो इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण यदि आप ली चार्टलियर प्रिंसिपल फिर लगाएंगे तो क्या बोलता है ली चार्टलियर प्रिंसिपल की, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर हमारा जो इसमें डिजॉल्व गैस है सोल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और जो आपने वहां भी महसूस किया कि जो KH की वैल्यू है वो भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, तो यदि KH का वैल्यू बढ़ जाता है तो काई हमारा कम हो जाता है, ये हम लोग सीखें। एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ये न्यूमेरिकल्स ले रहे हम लोग, देखो H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, H2S ए टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molal calculate Henry's law constant। So इस केस में H2S गैस कहाँ यूज करते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में। कहाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हो आप जब प्रैक्टिकल करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, तो आयरन सल्फाइड के ऊपर यदि हम H2SO4 लेते हैं किप सेपरेटस में तो ये गैस हमारा रिलीज होता है H2S गैस, और ये H2S गैस का डायरेक्ट यूज हम लोग
यदि जिस लैब में फ्यूम्स बॉक्स है वहां पर तो यूज कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इसका कुछ अल्टरनेटिव्स निकाल लिया है, लेकिन ये यूज करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के लिए क्योंकि ये वीक एसिड है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है बेटा, इसमें देखो एक तो बात कर रहा है एसटीपी की, यहां से हमें प्रेशर लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यदि होता है तो प्रेशर हम कितना लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, या मिलीमीटर में लोगे तो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। दूसरा इसकी जो मोलिलिटी दिया हुआ है वो 0.195 दिया हुआ है मोल पर किलो, 0.195 मोल पर किलो। आप जानते हैं फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला क्या यूज करते हो बेटा, P = KH का है। तो चलिए प्रेशर तो आपको गिवन है लेकिन काय कहां गिवन है, केएच तो निकालना है आपको। तो जो हम इंटर कन्वर्जन सिखाए थे तो यहां से हम लोग इस मोलिलिटी से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। कैसे एक बार फिर रिकॉल करो उस चीज को, क्या क्या है ये, 0.195 मोल इज इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर आपका कितना है 1 किलोग्राम है, और 0.195 मोल क्या है H2S है। तो आप यदि बात कर रहे हैं काय H2S की गैस की, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, NH2S, और यहां पर लिखेंगे आप NH2S प्लस NH2, ठीक है। तो ये आपका मोल तो बताइए आपको 0.195, अब ये कैसे निकालोगे NH2, आप जानते हैं गिवन मास में मोलर मास, तो गिवन मास में मोलर मास ये 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, और मोलर मास आप जानते हो ही वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो इसको यदि आप निकालोगे तो ये आएगा 55.55 मोल। कई बार आपको वाटर की मोलिलिटी पूछ देता है तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से 55.55 मोल। तो अब बेटा यहां पर आ जाओ, तो NH2S आपका यही तो है 0.195 मोल, नीचे आ गया आपका 0.195 और ये आ गया 55.6, कर लेते हैं 55 को, ये हमारा का H2S आ गया। अब हमारा फॉर्मूला KH निकालना है हमको, तो KH निकालना है तो क्या होगा हमारा P/Ky, KH है तो P 1 एटमॉस्फेयर और ये हमारा काय है 0.195/5 9 7 7, सो 55.79। तो यदि हम इसको राइट कर दिए तो इसकी यूनिट क्या आएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहां पर निकाल सकते हैं। तो यहां पर हेनरीज लॉ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको बोलता हूं, आप ट्राई करेंगे लिख लेंगे, इसको निकालेंगे हम लोग, क्या हमारा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर एट 298। आप देखिए इसमें आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है गिवन है बेटा, तो निकालना क्या है आपको क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। तो यहां भी आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर आपको प्रेशर दिया हुआ है और वहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं।
इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, आप कैसे बोलते हो कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है? सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, वॉट एवर द सॉल्यूट इज डज नॉट मैटर, इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मीन्स है कि उसमें आपका सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है। तो वेपर प्रेशर सबसे पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 11 में, लेकिन मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको वेपर प्रेशर। जैसे देखिए कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, ये वर्ड क्या होता है वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब होता है, ये हम लोगों में भी ये स्वभाव होता है, किसी ने आपको कुछ टोका, आप एकदम उग्र हो गए, पूरा एकदम गुस्से में आ गए, तुरंत मम्मी ने डांटा, आप एकदम पूरे, और कोई शांत होता है नहीं, वो सुनता है समझता है। तो इस तरह से हमारा कुछ लिक्विड भी है वोलेटाइल। जैसे आप देखते हो घर में आपकी मम्मी यूज करती है, जो घर में एसीटोन है वो नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में यूज होता है, थोड़ा सा भी उनके भूल से यदि खुला रह गया तो है ही नहीं, वो गायब हो गया। तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं वोलेटाइल। लेकिन शहद खुला रह जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होना होने वाला, तो नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो। तो वोलेटाइल का ये मतलब समझना है आपको बच्चे, कि वोलेटाइल का मतलब कि उड़ जाने वाला सब्सटेंस, मतलब यदि आप उसको ओपन कंटेनर में रखेंगे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, और वो आपस में उनका कोई बनाव नहीं है कह सकते हैं, और वो निकल जाएंगे। तो जब आपका कंटेनर ओपन है तो निकलने का प्रयास करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जब आप क्या करोगे, इनको बंद कर दो, बेल जार लेकर के आपने बंद कर दिया, बंद करने के बाद क्या होगा, अब इनको जाने का कोई जगह नहीं है, तो ये यहाँ पर आके कंडेंस्ड होंगे। जैसे आप अपने बोतल में देखते हो ना, कभी कभी स्कूल में ले जाते हो तो देखते हो कि बोतल के ऊपरी सिरे पर पानी कहाँ से आ गया, कैसे जमा है वो ड्रॉपलेट्स। तो क्या होता है कि ये यहाँ पर अब जा तो नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं फिर, ये बहुत ज्यादा जब संख्या में हो जाएंगे तो क्या होंगे, कंडेंसेशन होता है। तो इस एरो के प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेपोरेशन, और ये किसको बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडेंसेशन। सो आफ्टर सम टाइम्स ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा तब आप देखोगे ना, ये लेयर कम हो रहा है, और यहां पर जो एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो अब आप डिफाइन कर सकते हो कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर Above the liquid surface is called vapor pressure। लग रहा है कि मैं रिकॉल कराने में सक्सेस रहा, ऐसे एक बार मैं फिर बोलता हूं, देखो बेटा कि कोई वोलेटाइल लिक्विड होगा तो वो इवोपरेट करना चाहेगा, जो सरफेस फेनोमेना है सरफेस से निकलता हुआ चला जाएगा, और लेकिन यदि आप ढक देंगे तो पार्टिकल्स वहीं पर जमा होगा, और जब बहुत सारे जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन होता है। ये आप अपने रेन साइकिल में भी देखते हैं कि जिस दिन बहुत तेज धूप हो गया और सारा इवोपरेट होकर के ऊपर आया, फिर आप देखते हैं कि अच्छा गर्मी बहुत हो रही है तो बारिश होगी। इसका क्या मतलब है कि वेपर का जो कंटेंट है पार्टिकल का, वाटर वेपर का बढ़ गया है, वो कंडेंस होगा और नीचे आना है उसको, तो रेन के फॉर्म में आता है। तो अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये कंडेंसेशन प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, ये इवेपोरेशन को डिनोट कर रहा है। सो आफ्टर सम टाइम्स ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन।
At this situation, the pressure exerted by vapor at a given temperature is called vapor pressure. आप हर हमेशा देखेंगे कोई numericals करेंगे या कुछ भी तो vapor pressure लिखा रहता है at 300 Kelvin, at 250 Kelvin. इसका मतलब वो एक temperature dependent quantity है और आपको temperature के साथ लिखना पड़ेगा. तो vapor pressure आप समझ गए होंगे. हम पहले liquid solution में दोनों ही component हम ले रहे हैं बेटा लिक्विड कंपोनेंट. ए भी लिक्विड है, बी भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है. तो इसलिए दोनों ही लिक्विड और दोनों वोलेटाइल हैं, बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड. तो वोलेटाइल लिक्विड में आप देखेंगे कि रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या आएगा कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. ये अपने मोल फ्रैक्शन का, ये अपने मोल फ्रैक्शन का. मैं एक बार फिर रिपीट करूं, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. इसका मतलब PA is directly proportional to KA, mole fraction. तो यहां पर यह हमारा PA is equal to proportionality constant लेते हैं हम लोग P not A KA. PA क्या है, अभी बात किए थे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और P नॉट A है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. कब? जब ये प्योर लिक्विड हो जाए, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए इसका, तब हम कहेंगे कि ये इसके बराबर हो गया. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और का ये इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए. सिमिलरली PB is directly proportional to KA, mole fraction of B component. So PB is equal to P not B KA. Similarly, PB is the partial pressure of liquid B, P not B is the vapor pressure of pure liquid B, and this KB is the mole fraction of B. So what is P total? So P total is equal to PA plus PB, sum of their partial pressure, sum of their partial pressure. तो हमने क्या देखा कि जो हम बात कर रहे हैं कि solution of a volatile liquid, तो इस तरह से आप दोनों का यदि sum कर दें तो क्या आएगा बेटा, P not A का ये प्लस P not B का B. इसको यदि हम लोग एक टर्म में करना चाहें, P not A 1 माइनस का B प्लस P not B का B. तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, P not A माइनस P not A काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी. सो यहां पर पी नॉट ए प्लस काई बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. ये फॉर्मूला आ गया जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल्स निकाल सकते. क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इस पर, एक बार फिर से चलते हम लोग कि रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट के हिसाब से क्या था कि पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन. सो पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये, पी नॉट ए क्या था यहां पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एंड पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो पी टोटल बनेगा, क्योंकि बोथ लिक्विड और वोलेटाइल दोनों अपना अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं,
तो पी ए प्लस पी बी, सो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, सो काई ए यहाँ पर वन माइनस काई बी और ये काई बी, क्योंकि क्यों लिया आपने, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन, सो पी नॉट ए काई बी पी नॉट बी काई बी, तो यहाँ पर हमारा काई बी कॉमन हो गया, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, ये देखिए टोटल वेपर प्रेशर जो है ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट से हम रिलेट कर रहे हैं, हम बी से रिलेट कर रहे हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर को आप किसी एक मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, बी कंपोनेंट के साथ वो वेरी कर रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विथ द कंपोनेंट ए वेपर प्रेशर। इसको मैं आपको एक प्लॉट से अब बताता हूं कि किस तरह से ये हमारा मोल फ्रैक्शन का है, तो काई ए वन, तो निश्चित रूप से काई बी क्या होगा, जीरो। यहां पर बेटा मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है इसका बी का, तो यहां पर आते आते क्या हो जाएगा, काई ए जीरो हो जाएगा, तो काई बी वन। अब देखिए कि यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ है, तो यहां पर हमारा वेपर प्रेशर ये क्या कह रहा है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो ए का मोल फ्रैक्शन वन से जीरो जा रहा है, तो इसलिए ये लिनियरली वेरी करेगा। और यहां एक यहां पर हमने लिया पी नॉट बी, ये बेटा किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, ये कर रहा है पी ए पी नॉट ए का ये, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, पी बी पी नॉट बी का ये। अब यहां पर हम बात करें थिक लाइन से टोटल प्रेशर पी टोटल जो पी ए प्लस पी बी, तो यहां पर ये तीनों ही चीज हम देख रहे हैं, और ये एक चीज आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इसका वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर में अंतर क्यों है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, तो जरूर क्लास में क्वेश्चनिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज मन में ही रह जाता है, फिर तो आप पूछिए इसको। यहां पर आप देख रहे हैं ना वेपर प्रेशर है, और टेम्परेचर यदि सेम रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा वोलेटाइल है, कि उसी टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। सो क्या मतलब कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट, इसलिए बेटा ये ऊपर और ये नीचे। तो इस तरह से हम इस पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा सोल्यूशन था, लिक्विड सॉल्यूशन था, जिसमें बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, ए भी वोलेटाइल और बी भी वोलेटाइल। इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि यदि आपको कंपोजिशन वेपर फेज में निकालना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो आएंगे वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होगा निकालने के लिए,
तो जब भी लिक्विड फेज का आएगा तो मोल फ्रैक्शन लिखा रहेगा, लेकिन जैसे वर्ड लैंग्वेज आएगा कंपोजिशन, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज, तब क्या करेंगे आप, मोल फ्रैक्शन, ये हमने वेपर फेज के लिए वाई ए लिख लिया, तो यहां पर बेटा क्या लिखोगे, पी ए बाई पी टोटल। एकदम सिंपल है, ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे हमने मोल फ्रैक्शन में किया था, तो फिर वाई भी क्या होगा, पी बी बाय पी। यहां पर एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं इसी न्यूमेरिकल से, तो देखिए न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन है एंड ऑक्टेन एट 298 केल्विन और 300 मिलीमीटर एचजी एंड 200 मिलीमीटर एचजी रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 28.5 ग्राम ऑफ ऑक्टेन एट 298। इसका दूसरा पार्ट ऑल्सो कैलकुलेट, कैलकुलेट द कंपोजिशन of the components मतलब हेप्टेन एंड ऑक्टेन इन वेपर फेज, वेपर फेज। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई करिए कैसे करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन एट 298 केल्विन और 300 मिलीमीटर एचजी एंड 200 मिलीमीटर एचजी रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों निकालना है, पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन क्या है इसमें, कंटेनिंग 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 28.5 ग्राम ऑफ ऑक्टेन एट 298 केल्विन, ऑल्सो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, मीन्स बोथ कंपोनेंट आपको हेप्टेन का भी और ऑक्टेन का भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम है आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे आप दोनों का, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन एट 298 केल्विन एट 300 200, सो डाटा लिख लेते हैं हम इसका कि हमारा डाटा क्या क्या बोल रहा है, तब मिटाएंगे इसको। पी नॉट हेप्टेन ये दिया हुआ है 300 मिलीमीटर एचडी, पी नॉट ऑक्टेन, ओ फॉर ऑक्टेन ये दिया हुआ है 200 मिलीमीटर एचडी। यहां पर हमारा
W heptane दिया हुआ है 25 ग्राम. W octane means given mass of octane, ये दिया हुआ है कितना बेटा 28.5 ग्राम. ठीक है, अब हम इसको मिटा सकते हैं. ये डाटा हमको मिला है, तो आप जानते हो गिवन मास और मोलर मास से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मोल फ्रैक्शन. तो पहले मोल निकाल लें. एम हेप्टेन मोलर मास हेप्टेन का है, हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, तो ये 84 और प्लस 16 कितना बन गया 100 ग्राम पर मोल. और ये तो हमने पढ़ाई है होमोलोगस सीरीज हेप्टेन का. अगला सीरीज नेक्स्ट हायर सीरीज क्या होता है ऑक्टेन. तो यदि हमारा होमोलोगस सीरीज होता है तो हम मास को कितने से बढ़ा देते हैं, तो क्यों कैलकुलेट करेंगे 114 हो जाए. आप जानते हैं कि CH2 से बढ़ता है तो CH2 का मास 14 होता है, तो ये आ गया. ठीक है, अब हम दोनों का मोल निकाल लेते हैं. तो एन हेप्टेन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो कितना मोल 0.25 मोल. अब यहां पर एन ऑक्टेन, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये कैलकुलेट करो, ये भी आएगा आपका 0.25 मोल. अब काय हेप्टेन, तो ऊपर में लिखते हो आप एन हेप्टेन, नीचे लिखेंगे एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन प्लस एन ऑक्टेन. तो एन हेप्टेन कितना है आपका 0.25, नीचे कितना है 0.25 प्लस 0.25 कितना आ गया 0.5. मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है, तो अब हमें काइऑक्टेन भी आ गया, 1 से माइनस कर लिया, ये भी 0.5 आ गया. अब बेटा हमारा फॉर्मूला क्या था पी हेप्टेन निकालने का, पी हेप्टेन निकालने का फॉर्मूला है पी नॉट हेप्टेन इंटू का हेप्टेन. पी नॉट हेप्टेन आपका गिवन है कितना है 300 इंटू 0.5, सो कितना है बेटा 150 मिलीमीटर HG. सिमिलरली पी ऑक्टेन इज इक्वल टू पी नॉट ऑक्टेन इंटू काय ऑक्टेन, सो इट इज 200 दिया हुआ है आपका ऑक्टेन इंटू 0.5 कितना आ गया 100 मिलीमीटर HG. अब हम यदि बात करें पी टोटल, तो पी टोटल क्या है पीएच प्लस पीओ, पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन कितना आ रहा हमारा 250 मिलीमीटर HG. पहला हमारा आंसर आ गया कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर बना क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स का हमारा वेपर प्रेशर बन रहा है, तो 150 और 100 250 मिलीमीटर HG. ठीक है, अब हमारी बारी है कैलकुलेट करने की कंपोजिशन इन वेपर फेज. तो देखो बेटा वेपर फेज का भी आपको सिखाए थे कि y हेप्टेन निकालेंगे तो ऊपर में लिखोगे आप p हेप्टेन, नीचे लिखोगे p टोटल. तो p हेप्टेन कितना है आपका 150 और नीचे कितना आएगा 250, तो 3/5 क्या होता है 0.6 होता है. तो निश्चित रूप से काय ऑक्टेन 1 - 0.6 क्या आ गया 0.4. क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, देखो यहां पर लिक्विड फेज में आपने मोल फ्रैक्शन दोनों का ही 0.5 और 0.5 है, लेकिन वेपर फेज में जाने पर हेप्टेन 0.6 हो गया और ऑक्टेन 0.4 हो गया. क्या कंक्लूजन ड्रॉ करता है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि वेपर फेज में वो कंपोनेंट रिचर हो जाएगा दैट इज मोर वोलेटाइल. इसका मतलब क्या निकल कर आ गया कि हेप्टेन इज मोर वोलेटाइल देन ऑक्टेन, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
जो देखते हो कि क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो भारत आयात करता है या अपने गुवाहाटी से कहीं से जो है बॉम्बे हाई से जो निकलता है, तो वो हम क्रूड ऑयल तो नहीं यूज करते हैं किसी मशीन में। कैसे यूज करते हैं? उसके कंपोनेंट्स में, कि वो एलपीजी का फॉर्म हो जाए, वो किरोसिन हो जाए, वो गैसोलीन हो जाए, वो डीजल हो जाए, तो ये सारे इसकी वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करती है। तो यदि हम भी इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते तो हेप्टेन मोर वोलेटाइल है, तो हेप्टेन पहले स्केप कर जाता, लिविंग बिहाइंड द ऑक्टेन। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहां पर आप समझ रहे हो कि किस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेना चाह रहे हैं। तो हमने सीखा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में यदि हम देखते हैं तो कंपोजिशन वेपर फेज में बदल जाता है, और बदलने का कारण क्या होता है कि जो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल होता है वो कंपोनेंट्स हमारा रिचर हो जाता है, उसके वेपर फेज में बदल जाते हैं। रॉड्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये कई बार क्वेश्चन आएगा आपको कि रॉड्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्यों ऐसा, कहां सिमिलरिटीज है? रॉड्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता था आपका? पी इज इक्वल टू के एच का है। रॉड्स लॉ क्या कहता है? देखिए यहां भी प्रेशर है, यहां भी प्रेशर है, यहां मोल फ्रैक्शन है, यहां मोल। अब दोनों में किस में डिफरेंस है? ये उसी चीज को बोल रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। तो सिमिलरिटी यही से आता है कि यदि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, तो हम बोलते हैं कि जो वेपर प्रेशर है ये हमारा प्योर सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। बच्चे आज मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूं कि जो चीज आप यहां पर पढ़ रहे हैं, मैं एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव हूं अपने सारे केमिस्ट्री टीचर्स का, और उनका मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, और वो शायद असाइनमेंट आपको घर तक भेज रहे हैं, और जो असाइनमेंट भेज रहे हैं वो आप बर्डन बनाकर मत लीजिएगा, वो एकदम आराम आराम से जैसे होता चलता है वो करते जाइए और उनको भेजते जाइए आप। और हमारे कई विद्वान साथी हैं, अपना बहुत सारा सजेशंस देते हैं, उसको हम इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करते हैं कि जिससे, क्योंकि आप मेरे में उन्हीं की छवि देखो कि आप उन्हीं से पढ़ रहे हैं, और पूरा पूरा आप फॉलो करिए और इसका फायदा उठाइए। अभी मैं एक लॉकडाउन चल रहा है, एक गेम देखिए जैसे कहूत गेम है। आप यदि 15-20 बच्चों का एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप बना करके बच्चे इस तरह से यदि आप खेलेंगे गेम, तो एक क्या करना होगा वहां स्टार्ट करने पर, जब हमारे पास एक दिन जितने दिन का आप समय देना चाहते हैं उतना दिन के लिए ओपन कर सकते हैं, गेम पिन डाल सकते हैं और इसमें आप गेम स्टार्ट कर सकते हैं, और सबके सामने जितने पार्टिसिपेंट होंगे, जैसे यहाँ पर 18 प्लेयर्स दिख रहा है, और मैं किसी का नाम यदि इंटर कर दूं, जैसे मैंने ये मैंने इंटर कर दिया, देखिए अब ये भी इसमें खेल सकते हैं, पार्टिसिपेंट हमारा 19 हो गया। अब देखिए गेम स्टार्ट हो रहा है, आपको बहुत जल्दी से जवाब देना होता है। क्या कह रहा है? सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? तो आप इसमें यदि यहां टिक करें
तो आपका आंसर आ गया, ये देखिए नेक्स्ट स्कोर बन रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो सॉल्यूशंस सारे मिक्सचर होते हैं, ये हमने नहीं दबाया, तो देखिए टाइम अप हो गया। तो इस तरह से आप अपने घरों पर बैठे हुए भी एक दूसरे से क्या कह रहा, बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, तो क्या बताया था आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक कर दिया आपने। ठीक, इस तरह से हम ऐसे अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूट एन एलॉय ऑफ ब्रास, याद करिए ब्रास में मैंने कॉपर जिंक की बात करी थी, तो कम कौन था, जिंक, तो यही सॉल्यूट होगा, तो ये सही आंसर है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा खेलते हुए भी सीख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन मेड बाय डायरेक्टली वेइंग प्रोसेस, तो वेइंग प्रोसेस से कैसा स्टैंडर्ड बताया था मैंने आपको, प्राइमरी स्टैंडर्ड है ना, तो प्राइमरी को टिक करिए। टेन परसेंट ऑफ एक्वस ग्लूकोज है, क्या मतलब कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो इस तरह से हम इस गेम को भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उस असाइनमेंट को बारी बारी से करेंगे, और अपने सर के मैडम के टच में बने रहिए, और इस सब्जेक्ट को अपने आप इनरिच करना है, तो मतलब इसका फायदा उठाना है कि यदि लॉकडाउन है तो हम और ज़्यादा इनरिच हो रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन कम है, और यदि डिस्ट्रैक्शन करना है तो क्यों ना हम कहूत गेम क्विज करके खेलें, और कोई कोई आप इनोवेटिव आइडिया निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था एनरिच लॉ पर, वो न्यूमेरिकल्स मेरे तरफ से आपको करके रखना है। सो हैव ए नाइस डे।